आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खालिस्तान कमांडो फोर्स के पूर्व प्रमुख के घर रुकने के मामले पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल ने शाब्दिक हमले किए। हरसिमरत ने कहा कि केजरीवाल चरमपंथियों के साथ मिलकर पंजाब की अमन शांति को खराब करना चाहते हैं और लोगों को इनसे सचेत रहने की जरूरत है। पंजाब की अमन शांति ते भाईचारे सांझ नूं भंग करन वास्ते केजरीवाल साहब का 2014 तो देखे अज तक इन्हां दा पार्टी दा इतिहास देख लो। जिहड़े खालिस्तान कमांडो फोर्स के घर च जिहड़े बंदे वह बंदे ने जिहड़ी पुछा कढ के मंदिरां च सिटदे सी ते गुटके फाड़ के गुरद्वारियां च सिट के साडे पंजाब दे भरावां नूं लड़ा के अमन शांति भंग करन दा संगीन इल्जाम ने उन्हां दे रात पर घर च जे परसों केजरीवाल साहब रहन गए सी ते उन्हां दे नाल कोई कीर्तन ते भजन पाठ तां कीता नहीं होना कि इन्हां ने तालमेल किया। मैं तो अज बेनती करदी आ लोगों नूं अपने मंदिरां दी राखी करो, अपने पिंडां विच शहरां विच अपने गुरद्वारियां दी राखी करो, क्योंकि केजरीवाल साहब जिथे रह के आए ने ये रात भर जिहड़ी गल्लां होईयां ने वह गल्लां दा नतीजा अगले 3 दिनां च तुसीं देखना है। इसके अलावा हरसिमरत ने संजय सिंह को ठग और गुंडा करार दिया है। तलवंडी साबो से मुनीश गर्ग, पंजाब केसरी टीवी।